गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि दीक्षा के फोन से हमारा नंबर डिलीट हो चुका है। ऐसा कैसे हो गया? गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था बिल्कुल। किम भाई सही बात है, सही बात है। चुप कर बे कुत्ते। तो दोस्तों अभी हमारा पेपर चलेगा करीब 2 बजे तक, तो 2 बजे बाद मिलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ज़्यादा बारिश के कारण आजकल झील का पानी रोक दिया गया है, तो झील में ज़्यादा पानी नहीं है और यहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे हैं नदी में। तो चाची आज अपने घर जा रहे हो, कैसी खुशी हो रही है? मतलब बहुत ही हो रही है, क्या बताओ। तो बंटी भैया जयंत को ले गए थे अपनी स्कूटी में और हम ले गए थे चाची को और मन्नू को। तो ये देखो यहाँ की नदी, जो कि मैंने आपको पिछले वाली ब्लॉग में दिखा दिया है। ओ भाई साहब, हेलो इंटरनेट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे करीब 6:30, तो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। बट मेरी जो है अभी चाय फिनिश नहीं हुई, तो इन्हें थोड़ा देर रुकना पड़ेगा अभी। क्यों? कल था इनका प्रोग्राम, तो कल 15 अगस्त में इनका डांस था, तो वो आपको डांस पसंद आया होगा। बट वीडियो इतनी क्लियर बनी नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीछे था इसी वजह से। और यहाँ पे कल मैं ले आया हूँ बंटी भैया की बाइक, देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है, तो ये मन्नू छेड़खानी कर रहा है इसमें, मत कर। तो ये जैसा टूट रखा है, बाइक गिर गई थी ये, तो अभी स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर रखा है। तो अभी कुछ टाइम तक ये यहीं पे ही रहेगा। तो दोस्तों मेरी स्कूटी बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है, काफ़ी समय से मैंने इसको धोया नहीं है, तो यहाँ पे मिट्टी जम गई है बहुत ज़्यादा, ये देखो। उस दिन से नहीं धोती जिस दिन तक हमारी आई थी। तो अब पहले तो मैं को स्कूल छोड़ूंगा और उसके बाद मैं गाड़ी धोऊंगा, ये भी और ये भी। तो दोस्तों सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, हल्की फुल्की धूप आ रही है धीरे धीरे और आगे पूरा कोहरा लगा हुआ है और बारिश वाला मौसम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल मौसम क्लियर है और हमारे यहाँ पे कुछ मस्त मस्त फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों मन्नू बस इतना ही दिखता है स्कूटी में जब बैठता है वो, और तुम लोग बैठ गए अच्छे से? हाँ। चले हाँ। बाय मन्नू, बाय बोला से, बाय बोल, फ्लाइंग किस कर। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बच्चों को छोड़ने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ घर और गाड़ी मैंने आगे से धो ली है, पीछे से अभी पानी नहीं डालूंगा क्योंकि पीछे से भी इंजन गर्म है इसी वजह से। तो अपनी प्रिपरेशन करते हैं गाड़ी धोने के लिए, शैम्पू वगैरह सब लेके आया हूँ, तो मस्त बाल्टी में घोलते हैं शैम्पू और उसके बाद इसको मस्त चमकाते हैं और साथ ही उसको चमकाते हैं, साथ ही इसको भी चमकाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों दोनों गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है और मैंने शैम्पू भी घोल दिया बाल्टी में। कितनी शैम्पू घोली है? 4 शैम्पू बहुत है यार। तो दोस्तों फिलहाल मैंने दोनों स्कूटी प्लस बाइक तीनों धो दिए मस्त। वो अभी पहले जो इसकी मिट्टी दिख रही थी इसकी इंजन के यहाँ पे, तो पूरी साफ कर दी है मैंने और पूरी चकाचक, और दूसरी एंटॉक भी पूरी चकाचक हो चुकी है, दोनों धुल गई है, अभी सूखने के लिए छोड़ रखी है। और आरएस
आरएस में भी जितनी मिट्टी लगी थी लगभग मैंने सभी निकाल दिए, हल्का फुल्का कोने कोने में बच गई होंगी, तो ये तो बस प्रेशर से ही साफ होगा, बाकी जहाँ तक मेरे हाथ नहीं जा रहे, बाकी तो मैंने अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, बाकी पूरी मस्त लग रही है, शैम्पू वैम्पू कर दिया है। तो दोस्तों आज है मेरा पेपर हिस्ट्री का, तो अभी मैं बस तैयार हुआ पड़ा हूँ, और अभी बज रहे करीब 10, ठीक एक घंटे बाद मेरा पेपर है 11 बजे, अभी 10:01 हो रहा है। और ये मेरे पेन, ये मेरा स्केल, ये मेरी गाड़ी की चाबी, और यह है मेरा हिस्ट्री का असाइनमेंट जो कि तैयार है, बस ये सबमिट करना है मैडम को, तो फटाफट से चलते हैं। तो दोस्तों आज मेरे ये दाहिने आँख में इधर पे पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, आई फ्लू हो सकता है, आई फ्लू हो गया होगा मुझे, हो रखा है, जो भी है आँख इधर से लाल हो रखी है, पता नहीं क्यों, सुबह ने मुँह भी धोया था बट थोड़ा बहुत साबुन लग गया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और अगर पेन ज़्यादा देर तक रहा तो हो सकता है कि आई फ्लू हो गया मुझे। तो दोस्तों गाड़ी में भी मेरा तेल बहुत ज़्यादा कम है, तो इस मास तेल भी भरवाना है, और पहले पेपर देंगे उसके बाद जाएंगे तेल भराने के लिए बेटा। फिलहाल करते गाड़ी में ऑयल चेक, चेक 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 चेक, तीन लाइन, इसमें मैंने सुबह जैसे तेल उड़वाया था, थोड़ा बहुत तेल में बस बचा हुआ था पहले, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था, करीब आधा लीटर से भी कम, तो अभी इतने में ये जाएगी, थोड़ा बहुत तेल तो पहले भी होगा इसमें, तो इतने मुझे इसे कॉलेज भी ले आना है, और उसके बाद बेटा ले जाना है तेल भराने के लिए, ठीक है। और अभी स्कूल में हल्का फुल्का शोर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे अभी इंटरवल हुई है, शायद 10 बज गए हैं, इंटरवल हुई है। हेलो दीक्षा, हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जब भी होगा, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो राहुल भैया? पेपर यार कैसा फील हो रहा है? गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि दीक्षा के फोन से वहाँ नंबर डिलीट हो चुका है, ऐसा कैसे हो गया? गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था बिल्कुल। किम भाई सही बात है, सही बात है, ये लड़की काम की नहीं है। हेलो बंटी भैया, बंटी भैया के हाथ पे लगी थी यार, कहाँ पे लगी थी? बंटी भैया और गिफ्ट पे डस्टबिन लेके आ रखे हैं। हाँ डस्टबिन बड़ा, यहाँ पे सूजा है ना, हल्के सूजा नहीं हुए हैं। बंटी भैया जैसे बाइक पे से गिरे थे। मैं अपना हाथ दिखाना है, बस तो कड़कड़ाहट ही करने को रहे, कर दिखाना है भैया, आप दिखा, ऐसे ऐसे कलर मैच करा तो सेम ही है यार, सेम है ना, सेम है, मेरे फोन में जरा गोरा दिखता है। विधानसभा हेलो भाई, राहुल भाई, राहुल भाई जल्दी भर्ती होने वाले हैं इंडियन आर्मी में, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, बहुत बहुत हार्दिक शुभ, तो बंदो कर रोगी वो तो दीक्षा फिर ले। हमारा आई फ्लू वाले भैया ठीक हो? तो दोस्तों अभी हमारा पेपर चलेगा करीब 2 बजे तक, तो 2 बजे बाद मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेपर देने के बाद अभी मैं आया हुआ हूँ बैजनाथ, गरुड़ कुछ काम से गया हुआ था, तो अभी ठीक सामने हमारे है बैजनाथ मंदिर। तो दोस्तों ज़्यादा बारिश के कारण आजकल झील का पानी रोक दिया गया है, तो झील में ज़्यादा पानी नहीं है, और यहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे हैं नदी में, ठीक यहाँ पर। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के करीब 4, तो पेपर देके मैं आ चुका था, और साथ ही साथ स्कूटी में पेट्रोल भी भरवा लिया था, तो अभी जयंत मन्नू और चाची जा रहे हैं अपनी माँ को रवाई खाल। तो चाची आज अपने घर जा रहे हो, कैसे खुशी हो रही है? मतलब जी बहुत ही बहुत
कितने दिनों बाद आ रहे हैं यार? कई महीने हो गए होंगे ना? पता है मैं आया था क्या? हाँ, एक टाइम आया था जब दिन में आया था मैं। तो दोस्तों हमारे बंटी भैया से लेके आ गए थे जैन को लेके, और मैं आ रहा हूँ मन्नू और चाची को लेके। मन्नू द लास्ट लेसन, चलो बस तुम निकलो फटाफट, कल को आया टाइम से। मन्नू कल टाइम से आना घर को, ठीक है? मन्नू इधर देख, कल को टाइम से आना है। तो दोस्तों अभी मैं फिर से फटगली नामक एक जगह के यहाँ पे रुका हूँ जहाँ मैं पहले रुका था। तो आज हमारे साथ बंटी भैया। तो बंटी भैया जयंत को ले गए थे अपनी स्कूटी में, और हम ले गए थे चाची को और मन्नू को। तो ये देखो यहाँ की नदी, जो कि मैंने आपको पिछले वाली ब्लॉग में दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी चाची को छोड़ने के बाद मैंने गाड़ी वाड़ी धुली सीमा पे, और देखो मौसम पूरा भीग गया आज दोबारा से। बड़ी ही मुश्किल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, बारिश अभी इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना, क्या ही बताऊँ। चेक करो, ओ भाई साहब, अच्छा मैंने टाइम पे गाड़ी ढक दी है, ना ही मुझे ढकते ढकते भीगना पड़ता है इधर पर। ओहो इतनी गंदी बारिश है ना कि क्या ही बताएं। देखो बैल भी तिरछी हो रही है इस साइड को, इधर पूरे मेरे जूते गीले हो गए इधर पे। इसे बंद कर देते हैं। अरे भैया घर को कैसे जाऊं? रुक जा भाई, मुझे घर तो जाने दे। मुझे जैसे जानता हूँ ऊपर वाले घर पे बारिश जब रुकेगी तभी जा पाऊंगा। मैं कितनी खतरनाक जगह फंसा हूँ, दरवाजे भी यहाँ से बंद है, उधर जाने तक तो मैं भीग ही जाऊंगा। और आरएस के हाल तो गजब ही हो रहे हैं भाई, वो भी भीग गई है। चलो धुल गई है वो भी, थोड़ी बहुत धूल वूल लगी लगी होगी, सब साफ हो गई। बाकी ये इसे तो मैं अभी धोके लेके आ रहा हूँ। ओह